Assalamu alaikum, this is Muhammad Uzair and you are listening to me on my channel in Arabic. Uh, today's lesson is going to be interesting because we are going to learn question words in Arabic. We may call question words in Arabic like Kalimatul Istafham. Kalimatul Istafham means question words. Uh, in our daily life, uh, we have to ask many questions from someone and uh, we may use words kaifa ayu become liman kam. in this lesson we will learn the meaning of these words in english and urdu as well as we'll use them in sentences so that we may be able to ask pet questions in arabic but before going to the video i request you to please subscribe this channel and hit the bell icon so you don't miss any upload from our channel if you want this lesson in pdf form i have added the link in the description you can just open the link and get the lesson in notes for your further use the first word we are going to learn is kaifa kaifa in english it is called how and in urdu it is called kaise kaifa how kaise and uh, we may use it for asking the condition और द वे और द मैनर हम इसे इस्तेमाल करते हैं हम किसी की हालत पूछने के लिए कोई तरीका कार पूछने के लिए ठीक है अब देखते हैं इसका इस्तेमाल कि हम इसको जुमलों में किस तरह इस्तेमाल कर सकते हैं वही है थ्री एग्जाम्पल्स हाउ डिड यू डू दैट कैफा फायल्ता रैलिक तुमने ये कैसे किया हाउ डिड यू डू देट तुमने ये कैसे किया कैफा फाह हाउ डिड यू नो कैफा आरफता? कैफा आरफ्ता तुम्हें ये कैसे मालूम हाउ डिड यू नो हाउ टू सेफा नकूल कैसे कहना है उसके बाद है आई यू विच कौन सा कौन सी इन इंग्लिश इट इज गर्ड विच वर्दू इट इज कार्ड कौन सा और कौन सी एंड इट मे यूज फॉर आस्किंग द्वॉइस लाइक वी है

वाहिदिन अख्यारू किस का इंतब करना है हमें अब ये तीनों जो सेंटेंसेस uh, हैं हमें इनमें से पूछा जा रहा है कि हमारे सामने कुछ बुक्स पढ़ी हैं और पूछा जा रहा है आपको कौन सी किताब पसंद है या आप कौन सी किताब ख़रीदेंगे या आपको आ, आप किस चीज़ का इंतखब करेंगे तो इसका मतलब यह हुआ कि हमारे सामने ऑप्शंस हैं, हमें उसमें से कोई ना कोई सिलेक्ट करना है तो जब हमें ऑप्शंस में से किसी की सिलेक्शन की बात करनी होगी तो हम उसके लिए जो क्वेश्चन वर्ड या कलमत इस्तफाम यूज करेंगे वो कौन सा होगा आइजिया उसके बाद है बिकम बिकम इन इंग्लिश इट इज कॉल्ड हाउ मच कितने का या कितने की और इसको हम इस्तेमाल करते हैं कीमत का पूछने के लिए इट इज यूज फॉर आस्किंग द प्राइस

वो किताब कितने की है बिकम वैलिकल किताबू वो किताब कितने की है एंड नेक्स्ट वन इज 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 लिमन लिमन इट इट इन इंग्लिश कॉल्ड हुज इसका इंग्लिश तर्जमा है हुज और उर्दू तर्जमा है किसका या किसकी इट इज यूज फॉर आस्किंग द ऑनर ऑफ सम पर्टिकुलर थिंग ठीक है इसको इस्तेमाल करते हैं किसी चीज का मालिक का पता करने के लिए कि इस चीज का मालिक कौन है यही किताब ये यही कोई भी चीज ये किसकी है मिसालें देखते हैं इसकी हूज पेन लिमन पेन किस का है किसका है किताब ये किताब किसकी है उसके बाद है हाउस इज लिमन दिकल बैतु वो घर किसका है ठीक है

इट इज यूज फॉर आस्किंग द नंबर ऑफ पर्टिकुलर थिंग्स ठीक है इसको हम इस्तेमाल करते हैं अदद पूछने के लिए, नंबर पूछने के लिए, किसी भी चीज का मिसालें देखते हैं हाउ मनी बुक्स टू रीडो आप कितनी किताबें चाहते हैं हाउ मनी डेज है आपने कितने दिन गुजारे हाउ many बुक्स विल यू रीड कम किताबन शत खरा कितनी किताबें पढ़ेंगे अब इन तमाम जुमलों में हमने तादाद पूछी है नंबर पूछा है कम किताबन कितनी किताबें कम यौमन कितने दिन कम किताबन कितनी किताबें ठीक है उसके बाद है कम मिन हाउ मच इसका मतलब भी हाउ मच होता है और जो पीछे हमने पढ़ा कम इसका मतलब होता है हाउ मैनी ठीक है पीछे था कम अकेला और इसमें आ रहा है कम मिन वैसे हम अगर इसको आरबी के मीनिंग मिले तो दोनों का मतलब सेम बन जाता है लेकिन अगर हम इसको इंग्लिश के लिहाज से देखें तो इसमें कुछ डिफ्रेंशिएट हैं वो फर्क क्या है कि जो जो कम अकेला है वो इस्तेमाल होता है तादाद को पूछने के लिए नंबर को पूछने के लिए लेकिन जो ये कम मिन है हाउ मच ये इस्तेमाल होता है मकदार का पूछने के लिए तादाद और मकदार में फर्क होता है तादाद होता है नंबर और मकदार होती है क्वान्टिटी इट इज यूज फॉर आस्किंग द क्वान्टिटी ऑफ सम पर्टिकुलर थिंग ठीक है एग्जाम्पल देखते हैं हाउ मच मनी डू यू वॉन्ट कम मिनल माली तुरद तो आपको कितने पैसे चाहिए हाउ मच वाटर डू यू वॉन्ट टू ड्रिंक कम मिनल माय तश्रबू आप कितना पानी पीना चाहते हैं हाउ मच टाइम विल यू टेक कम मिनल वक्ती सदा खुदू आप कितना वक्त लेंगे ठीक है अब इन तमाम जुमलों में हमने तादाद की बात नहीं की है हमने मकदार की बात की है कि हाउ मच हाउ मच मनी हाउ मच वाटर हाउ मच टाइम रकम भी तादाद रकम भी मकदार में होती है पानी भी मकदार में होता है और टाइम भी मकदार में होता है तादाद में ये तीनों चीजें नहीं होती हैं उसके बाद है सो सिंपल so इसको हम यूज करते हैं इट इज यूज फॉर है इसको हम जगह के बारे में पूछना हो तो हम उसके लिए ये इस्तेमाल करते हैं आईना वेयर एग्जाम्पल्स देखते हैं वेयर आर हैं वेयर वर यू? आईना कुंता आप कहा थे ठीक है अब इन सब में हमने जगह के बारे में पूछा कुंता और where will you go? अब है, मता वेन कब इट इज यूज फॉर आस्किंग द टाइम ठीक है इसको हम टाइम का पूछने के लिए वक्त का पूछने के लिए इस्तेमाल करते हैं लफ्ज़ मता

टाइम पूछ रहे हैं अब है हमारे अब हम पूछते आते हैं सिंपल सवाल क्या जिसके अल्फाज शुरू में उर्दू की बात कर रहा हूं जिसके शुरू में लफ्ज क्या आता है ठीक है हल और अलिफ के ऊपर यह हमजा और उसके ऊपर जबर इसको प्रोनाउंस करते हैं आ हल और आ और इसमें जैसर नौ में क्वेश्चन होते हैं इसका जो उर्दू तर्जमा होता है वह होता है क्या मिसालें देखते हैं आर यूडेंट हलताबन या फिर अंतबन क्या तुम तालिब इम हो अब ये सादा सा सवाल हो गया डू यू अंडरस्टैंडा या फिर अतफ हमलिका क्या तुम समझ गए इज ही कमिंग विद हल हुआ जाहिब माना या फिर अहिबन माना क्या वो हमारे साथ आ रहा है या जा रहा है इसको हम बोल सकते हैं ठीक है आर यू अस्टूडेंट हल अंत तालिबुन या फिर अंत तालिबुन क्या तुम तालिब हो Do you understand that? हल तफहमु ज़ालिका या फिर अतफहमु ज़ालिका Is ही coming with us? हल हुआ ज़ाहिबुन माना या फिर अहुआ ज़ाहिबुन माना जो आ की आवाज है ये सवाल का निशान है अरबी के जुमले में अब आते हैं जी एक और लफ्ज है हमारे पास मन इसको हम इंग्लिश में कहते हैं हु कौन किसने इट इज यूज फॉर आस्किंग द समवन और सम पर्सन ठीक है किसी शख्स के बारे में पूछने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं हु और आरबी में मन एग्जाम्पल्स देखते हैं हु इज शी मन हिया वो कौन है हु दिस मन फाला हादा, ये किसने किया हु मन फैजा बिल मुबारती मैच किसने जीता अब इन तमाम जुमलों में हम किसी न किसी शख्स के बारे पूछने। में पूछ रहे हैं इसमें शी है और इसमें दिस है ठीक है ये किसने किया द मैच मैच किसने जीता मन फैजा बिल मुबारती अब नेक्स्ट है लिमा या फिर लिमाजा ये दोनों एक ही मतलब है दोनों का वाय इसको कहते हैं इंग्लिश में क्यों और सॉरी इंग, इंग्लिश में कहते हैं वाय और उर्दू में कहते हैं क्यों लिमा या लिमादा इट इज यूज्ड फॉर आस्किंग द रीजन ठीक है इसको हम वजह का पूछने के लिए इस्तेमाल करते हैं व्हाई आर यू सैड लिमा ध लिमादा अंता हजीन आप गमजदा क्यों हो या फिर लिमा अंता हजीन ठीक है व्हाई आर यू सैड लिमा लिमा अंता हजीन या फिर लिमादा अंता हजीन ठीक है। तुम मुझसे क्यों पूछते हो? या 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 फिर 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 लिमा आप रो क्यों रहे हैं ठीक है इन तमाम जुमलों में हमने वजह के बारे में पूछा तो इसके लिए हमने लिमा या फिर लिमाजा ये दो अल्फाज इस्तेमाल किए नेक्स्ट वर्ड इज मा

लेकिन ये इस्तेमाल होगा वर्ब्स के साथ फेल के साथ जो पीछे हमने इस्तेमाल किया माँ केला ये था मां विद नाउन्स यानी के इसम के साथ ये इस्तेमाल होगा और जो हम अब इस्तेमाल करने जा रहे हैं मादा यह इस्तेमाल होगा वर्ब के साथ यानी के फेल के साथ वट आर यू डूइंग मादा तफालु आप क्या कर रहे हैं वट डू यू सी मादा तरा आप क्या देखते हैं या आप क्या देख रहे हैं वट डू यू वॉन्ट टू ईट मादा तुरीदु कुल आप क्या खाना चाहते हैं इन तमाम में तफालु भी वर्ब है ठीक है सी भी वर्ब है तरा वर्ब है और अंता कुल यानी के ताकुल भी वर्ब है खाना ईट ठीक है इन तमाम में हमने इसको इस्तेमाल किया है वर्ब्स के साथ यानी के फेल के साथ मादा तफालु मादा तरा मादा तुरीदु कुल ठीक है तो ये था हमारा लेसन जिसमें हमने सीखे हैं कि हम सवाल किस तरह कर सकते हैं हमें अपनी रोजमर्रा की ज़िंदगी में बहुत से सवाल करने पड़ते हैं और मैं उम्मीद करता हूँ कि ये तमाम जो अल्फाज हमने सीखे हैं इसमें हमने वो तमाम सवाला कवर कर लिए हैं और आप इनको अच्छी तरह से सीख भी चुके हैं बहुत शुक्रिया इस वीडियो को आखिर तक देखने के लिए और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक कीजिए शेयर कीजिए कमेंट कीजिए और इस चैनल को अपने दोस्तों के साथ और फैमिली मेंबर्स के साथ जरूर शेयर कीजिए